यह सत्संग सतगुरु के चरण कमलों की धूली चरण धूली का महत्व समझाने के लिए है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज के जय। महापुरुषों की वाणी में सतगुरु के चरणों की महिमा गाई है। संत सहजोबाई जी लिखते हैं, 68 तीरथ गुर चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सगल अंड ब्रह्मंड। फरमाते हैं 68 तीर्थों का वास सतगुरु के चरणों में है। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, गुरुदेव के चरण कमल जो हैं एक अखंड पर्वत के समान है, जिसको किसी भी तरह की नेगेटिविटी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, वो अखंड है। पर भी होत अखंड, फिर फरमाते हैं सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड, तुम सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लो तब भी तुम्हें ऐसा सुंदर धाम प्राप्त नहीं होगा जैसे सतगुरु के चरण कमलों का रूपी धाम हमें मिला है। 68 तीर्थों का वास है। हिंदुस्तान में 68 तीर्थ कहे गए हैं, अलग अलग जगहों पर आधारित हैं। पवित्र से पवित्र जितने भी स्थान हैं सब इसमें काउंट हो जाते हैं। सभी पवित्र जो तीर्थों का जो टोटल काउंट है वो 68 है, 68 गिना जाता है। तो कहा कि 68 के 68 तीर्थों का जो वास है मेरे सतगुरु के चरण कमलों में है। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। ये गुरु महाराज जी के चरण कमलों का महत्व। इन्हीं चरण कमलों को छूकर जो चरण धूली बनती है, जिसको हम श्री दरबार से प्राप्त करते हैं, उस चरण धूली का बड़ा महत्व है। उस चरण धूली को लगाने से न जाने कितने ही कष्ट लोगों के कट जाते हैं, कितने ही दुख दूर हो जाते हैं, कितनी ही बीमारियां लोगों की कट जाती हैं, कितनी ही मुसीबतें से लोग छूट जाते हैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूली। इन्हीं चरणों को लगाने से मिल बनता है चरणामृत। गुरुदेव के चरण कमलों को जल से स्नान करवाकर वो जो चरणामृत बनता है, उस चरणामृत का भी विशेष महत्व है। उस चरणामृत का पान करने से, ऐसा हमारे संतों ने फरमाया कि उस चरणामृत का पान करने से एक मौत का लेखा खत्म होता है। एक बारी पान करने से एक मौत का लेखा खत्म होता है। इसका मतलब है कि अगर हम रोज सुबह शाम आरती के बाद जैसे चरणामृत का पान करते हैं तो दिन में दो मौतें तो हम अपनी वैसे ही काट लेते हैं। यानी इतनी बड़ी दात, इतनी बड़ी रहमत जो है सतगुरु के चरण कमलों का महत्व। अब जो चरण धूली गुरुदेव के चरण कमलों को लगाकर बनती है, उसके लिए एक बहुत ही प्यारी लीला याद आ रही है, आपके साथ शेयर करनी है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का एक सेवक हमारे दरबार का, उनको कोई एक बार तकलीफ हो गई, कोई शारीरिक तकलीफ थी। बड़े इलाज करवाए लेकिन किसी तरह से वो तकलीफ ठीक ना हो, जो भी बीमारी थी उनकी वो बढ़ती जाए, तकलीफ ज्यादा होती जाए। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बदल लिए, जो मर्जी करना था उन्होंने कर लिया, कुछ नहीं, कोई फर्क ना पड़े। अब इंसान का मन जो है वो डामाडोल होने लगता है कि पता नहीं कोई करा कराया ना हो, कोई ओपरी पराई ना हो, कोई और तकलीफ ना हो। तो उन्होंने इधर उधर पूछना शुरू किया, कोई पंडितों के यहाँ और कहीं। हालांकि एक गुरुमुख को ये शोभा नहीं देता कि सतगुरु के शरण में आ गए हैं तो सतगुरु पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने नियमों का पालन करते जाएं और जो भी तकलीफ हो रही है उसे प्रारब्ध समझकर भोग लें।
गुरुदेव का प्रसाद समझकर भोग लेना चाहिए। बस यही हमारे एक सच्चे गुरुमुख का यही फर्ज है। उन भगत जी ने भी जो है, लेकिन शायद विश्वास इतना पक्का नहीं रहा होगा, इसलिए इधर उधर लोगों से पूछताछ करते रहे भी कहीं से कुछ रास्ता मिले। कोई पंडितों के यहाँ गए, किसी और तांत्रिकों के यहाँ गए, लेकिन कोई फर्क ना मिले। फिर एक बाबा जी के बारे में उन्होंने सुना कि वो फलानी जगह पर एक बाबा जी रहते हैं और वो कोई भभूति देते हैं और वो भभूति से बड़ी बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती हैं, बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। बड़ा मन में उत्साह जागा कि चलो शायद कुछ हो जाए। तो लाइनें लगी हुई थी, वहां गए तो उनका कुछ दिन फिक्स था, टाइम फिक्स था, तो वहां गए, लाइन में लगे और बड़ी मुश्किल से डेढ़ दो घंटे की लाइन लगने के बाद जब उनका नंबर आया तो वो जो बाबा जी सामने बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे पर जैसे हम सद्गुरु के जो सेवक होते हैं ना, उनके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है, सद्गुरु के चरण कमलों की छाप होती है। उसने पहचान लिया कि ये तो कोई गुरुमुख है। तो उसने कहा कि उनके बारे में थोड़ा पूछा, फिर कहा कि आप कोई गुरुमुख हैं, कि आपने किसी गुरु से कोई नाम लिया हुआ है? उसने कहा जी हाँ, मैंने श्री आनंदपुर दरबार से नाम लिया हुआ है। अब ये कह सुनना था कि बाबा जी एकदम से नाराज हो गए, कहते तुम आनंदपुर दरबार का नाम लिया हुआ है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, जाओ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम्हारे गुरु ही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। इनको मन में बड़ा दुख हुआ कि यार इन्होंने अच्छा खासा मैं ठीक दवाई दे देते भभूति और मैं ठीक हो जाता, लेकिन वो इन्होंने तो भगा दिया। बड़ा मन में दुख आया। फिर वापिस चले आए, फिर लोगों ने उनको थोड़ा उत्साह दिया कि बाबा जी बड़े पहुंचे हुए सिद्ध हैं, उस भभूति से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, एक बार दोबारा प्रयास कर लो, हो सकता है बाबा जी का मूड उस दिन खराब रहा हो इसलिए तुम पर चिल्ला दिए हो। वो दोबारा लाइन में लगे, दो तीन घंटे लग के फिर नंबर आया और जाते ही फिर जैसे ही सामने गए उन्होंने तुरंत उनको फिर से इसी प्रकार से नाराज होकर गुस्से में चिल्लाकर जो है उनको कहा कि तुम्हें पहले नहीं बताया था हमने, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा इलाज तुम्हारे गुरु महाराज कर सकते हैं। और वो भगत जी इस बात को पकड़ नहीं रहे कि वो इशारे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। वो बार बार उन्हीं के पास पहुंच जाते, दो बार पहुंचे। अब फिर आकर उनका दिल तो नहीं किया कि जाएं, लेकिन फिर लोगों ने उत्साह किया कि भाई पता नहीं कोई नाराजगी होगी, अब तुम एक काम करना, तुम जाके ये बताना ही मत, थोड़ा सा अपना भेष सा चेंज कर लो, भेष बदल लो थोड़ा बहुत इस तरीके से कि ताकि समझ में ना आए उनको, और तुम किसी और ढंग से अपना परिचय दो और ये मत बताना कि तुम आनंदपुर दरबार के हो। वो दोबारा तिवारा गए और फिर लाइन में लगे, जैसे तैसे करके पहुंचे। अब इन्होंने, अब ये तो जो बाबा जी थे इनकी कम से कम कुछ ऐसी सिद्धि तो थी कि वो चेहरे को देख रहे हैं, वो जो गुरु महाराज जी की जो स्टैंप लगी हुई है माथे पर उस नूर को पहचान रहे हैं, वो चेहरा थोड़ी देख रहे हैं, वो नूर पहचान रहे हैं कि इनके ऊपर जो रोशनी है वो एक पूर्ण गुरु की रोशनी है। गुरुमुखो नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। सदगुरु जो हमें दीक्षा देते हैं तो अपने चरणों के साथ जोड़ देते हैं, गुरुदेव की स्टैंप लग जाती है हमारे ऊपर और उसके बाद से सदगुरु पूरी तरह से हमारे माथे पर विराजमान हो जाते हैं और पल पल हमारे साथ रहते हैं। श्री गुरु माई का नूर उसने देखा होगा, तो बाबा जी ने फिर उसको कहा, उसको फिर देखते ही नाराज हो गए, कहते तुझे समझ नहीं आता मैंने तुम्हें कहा है, तुम अपने गुरु के पास क्यों नहीं जाते? उसने कहा प्रभु मैं किसी मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं बस आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे ठीक करो। इस बार उन्होंने बिल्कुल ही जो है वो नाम गुरु का नाम ही पीछे कर दिया, हालांकि वो पहचान गए थे, लेकिन जब इसने कहा कि मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मेरा कोई गुरु नहीं है, आप ही मुझे ठीक करो, मुझे नहीं पता मुझे तो ठीक होना है। बाबा जी ने इनको बड़ा, इनके नेत्र जो है ना ऐसे लाल हो गए, इन्होंने कहा, इनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे, इन्हों का तेरा कोई गुरु नहीं है, तू कैसे बोल रहा है तेरा कोई गुरु नहीं है, तू जानते है तू क्या कह रहा है, तू जानते है तू क्या कह रहा है, तेरे गुरु कौन है, उन गुरु को तू नकार रहा है जो सृष्टि के मालिक है। इसके बाद बाबा जी ने उसका हाथ पकड़ा, कहा चल तुझे कुछ दिखाता हूं।
तो मेरे पास आया ना तू, तो मेरे पास आया है भभूति लेने के लिए, आ दिखाता हूँ तेरे को। हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गए। जिस कमरे में वो बैठे हुए थे उसके बीच में एक और कमरा था, तीन कमरे एक के बाद एक ऐसे थे। एक कमरे में तो बैठ के लोगों से मिल रहे थे, उसके बाद एक और कमरा था जो उनके आराम का कमरा था, उसके पीछे एक और कमरा था, उस पर आगे पर्दा लगा हुआ था। उसने जाकर वो पर्दा हटाया बाबा जी ने, और क्या देखता है सामने उनके श्री गुरु महाराज जी की, हमारे श्री गुरु महाराज जी की मूर्त वहां पर विराजमान है, और बड़ा सुंदर मंदिर उन्होंने बना रखा है अंदर। उसने नतमस्तक किया, श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया, कहते इन्हीं गुरु का शिष्य है ना तू, हमारे गुरुदेव का शिष्य है ना, दिन गुरु को तू नकार रहा है, मैं भी और मेरी शरण में आने की कोशिश कर रहा है, मैं भी उन्हीं पूर्ण श्री परमहंस दयाल जी का एक छोटा सा नन्ना सा तुच्छ सा सेवक हूँ। और इस बात को समझ लो कि ये जो भभूति मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, जिसको लेने के लिए तुम दो दो घंटे लाइनों में लगे हो, जिसको लेने से हजारों लोगों की हजारों बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये कुछ और नहीं मेरे सतगुरु की चरण धूली है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रोती है वो बाबा, रोए जा रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू छलक रहे हैं, अपने प्रभु के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते मैं लोगों को दिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं लोग मुझे मेरे आगे माथा टेकते हैं और मैं इनके आगे दंडवत वंदना करता हूँ, मेरे सतगुरु ये है। खूब रोए वो, उस व्यक्ति को हैरान हो गए भगत जी कि मैं जिस चरण धूली को लेने के लिए यहाँ लाइनों में लगाऊं, ये तो मेरे भाई जी मेरे को कितनी बार बोल चुके हैं, हमारे संत जो हैं कितनी बार मुझे बोल चुके हैं कि भगत जी चरण धूली ले जा, चरण धूली ले जा, मैं उनकी सुनता ही नहीं। खूब रोए वो बाबा जी, और ये भगत जी भी उनके, उन्होंने माफी मांगी, गुरु महाराज जी के आगे दंडवत वंदना करी, वापिस आए। और ऐसे गुरुमुख आपको बताने के लिए मैं बता दूं कि ऐसे न जाने कितने लोग वो गुरु महाराज जी का नाम नहीं करते, लेकिन वो सदगुरु के सेवक हैं हमारे। इस वक्त बहुत से जो प्रसिद्ध बाबा जी या संत जन जो आप सुनते हैं ना, उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने हमारे गुरु महाराज जी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन वो बाहर रूप से दिखाते नहीं है, अंदरूनी रूप से वो गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हैं। ऐसा हमें एक बार गुप्त रूप से कहीं पता चला था, अंदर से कहीं रहस्य विदित हुआ था कि ऐसा भी है। खैर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूल को का इतना महत्व है। उस भगत जी ने बाद में वो चरण कमलों की धूल जो है, चरण धूली भाई जी से जाकर ली और उसका सेवन किया श्रद्धा और प्रेम के साथ। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी और श्रद्धा और प्रेम से सेवन किया तो थोड़े दिनों में भगत जी की वो बीमारी जाती रही और वो भले चंगे हो गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, बस यही समझना है कि सतगुरु के चरण कमलों की धूल को हम अपने माथे पर धारण करें, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख दर्द सगले लाथे। जब से मैंने सतगुरु के चरण कमलों को अपने माथे पर विराजमान किया, मेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो गए। ये मेरे गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। इस तरीके से अपने गुरु महाराज जी के पांचों नियमों का पालन करें, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरण और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।